हाय, दिस इज मनु हेयर फ्रॉम Xiaomi इंडिया और MI इंडिया। मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइम पे आप सब लोग सेफ और सुरक्षित होंगे। आज का टाइम थोड़ा सा खराब है और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रिकॉशंस लीजिए। जितना हो सकता है अपने घर से काम करिए, बाहर मत निकलिए, और अगर निकलते हैं तो पूरी प्रिकॉशंस लें। एक हाई क्वालिटी मास्क N95 मास्क पहनिए, अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करिए। आज का दिन 5 मई मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 7 साल पहले मैंने एक छोटी सी कंपनी को ज्वाइन किया था, Xiaomi और MI, जिसका नाम इंडिया में बहुत ही कम लोगों ने सुना था। एक छोटी सी स्टार्टअप थी, मैंने इसको ज्वाइन किया टू स्टार्ट Xiaomi इंडिया। उस टाइम पे हम लोग इंडिया की स्मॉलेस्ट ब्रांड थे, हमारी स्मॉलेस्ट टीम थी एक इंसान, हमारा स्मॉलेस्ट ऑफिस था मेरी डेस्क मेरे घर के अंदर, और हमारा स्मॉलेस्ट बजट था इंक्लूडिंग अ मार्केटिंग बजट विच वॉज 0। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज, कि उस टाइम पे इंडिया में 300 से ज्यादा स्मार्टफोन ब्रांड थी। हर शहर हर डिस्ट्रिक्ट में एक नई स्मार्टफोन ब्रांड थी। लोग बाहर से स्मार्टफोन लेके आते थे, उस पर अपना लोगो लगाते थे और एक नई ब्रांड बन जाती थी। और मुझे बहुत डर लगा क्योंकि इन 300 ब्रांड में हम सबसे छोटे थे, तो मुझे लगा हम कैसे जीत सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं कई सारे लोगों के पास गया जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज के CEOs थे, टेलीकॉम कंपनीज के CEOs थे, जो पुरानी हैंडसेट कंपनी स्मार्टफोन कंपनीज के CEO रह चुके थे, उन लोगों के पास, ये जो मेरे मेंटर्स थे। और मैंने सबसे पूछा, तो ये हमारे प्लान्स हैं, हमारी स्ट्रैटेजी, आपको क्या लगता है कि हम सक्सीड कर सकते हैं? और पता है उनका जवाब क्या था? ऑलमोस्ट हर किसी ने बोला, नहीं, हमें लगता है तुम गलती कर रहे हो, हमें लगता है तुम इन प्लान्स के साथ कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि MI एक अननोन ब्रांड है, उसको इंडिया में कोई जानता ही नहीं, प्लस उस टाइम पे 90-95% मार्केट पूरा ऑफलाइन था, मॉम एंड पॉप स्टोर्स, और हम लोग क्योंकि हम छोटे थे, हम लोग एक टेक ऑडियंस को अपील करना चाहते थे, हम लोग ऑनलाइन जा रहे थे उस टाइम पे, और सबसे बड़ी बात, हमारा मार्केटिंग बजट बिल्कुल 0 था। जो 300 ब्रांड्स थी वो लोग लाखों करोड़ों रुपये हर महीने खर्च करते थे, कुछ बड़ी ब्रांड्स तो 10-10 हज़ार करोड़ रुपये, मतलब कई सारी जो बड़ी ब्रांड्स थी वो तो 10-10 करोड़, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर महीने खर्च करते थे ऑन TV एड्स, ऑन क्रिकेट, ऑन बॉलीवुड मूवी स्टार्स एंड मेनी मोर। तो हमें लगा कि हम इन सब से कैसे कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम छोटे जरूर थे, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े थे। तो हमने सोचा कि चलो भाई, हो सकता है सब लोग सही कह रहे हैं, हो सकता है हम सक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ट्राई करने में गिराता है, एक ट्राई करके देखेंगे, अगर सक्सीड हुए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो उस टाइम पे हमारा एक फ़ोन होता था MI 3 Mi 3, हम वो फ़ोन इंडिया में लेके आए, और उस फ़ोन को जब हम लेके आ रहे थे तो हमने बोला कितने फ़ोन लेके आए, तो हमने देखा हमारा जो फेसबुक पेज था MI इंडिया फेसबुक पेज, उस पर करीब 10,000 फॉलोअर्स थे। तो हमने बोला 10,000 लोग हमें जानते हैं, तो हमारा बिजनेस प्लान बहुत सिंपल था कि इन 10,000 लोगों को ढूंढो, उन सबको बताओ एक ये फ़ोन है, और उन सबको किसी तरह कन्विंस करो कि एक एक फ़ोन खरीद लें। तो हम सिर्फ 10,000 फोन्स लेके आए, हमने लॉन्च किया अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म पे, और पहले दिन 5 लाख लोग, मतलब 500,000 पीपल टर्नड अप टू बाय दिस डिवाइस। और तब हमें लगा कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग अपने आप उसके बारे में जान जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू ब्लॉग्स। और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके टीम बढ़ानी स्टार्ट करी, अपना बिजनेस बढ़ाना स्टार्ट किया। हम 1 से हुए 2, 2 से हुए 4, 4 से हुए 8, 8 से 16, और धीरे धीरे करके बढ़ते गए। आज के टाइम में हमारे इंडिया में 6 ऑफिस हैं, और इन 6 ऑफिस के अक्रॉस वी हैव 1200+ यंग एंड पैशनेट टीम मेम्बर्स। हमारी जो टीम मेम्बर्स हैं, इनकी एवरेज एज इज़ लेस देन 30, और आपको जान के बहुत खुशी होगी
कि ये सारे टीम मेंबर्स, मेजॉरिटी टीम मेंबर्स, दे डू नॉट कम फ्रॉम एनी स्मार्टफोन बैकग्राउंड और कंज्यूमर ड्यूरेबल बैकग्राउंड, और क्योंकि इनका कोई रेलिवेंट बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए दे ऑलवेज ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स, ट्राइंग टू चैलेंज स्टेटस को. उनको कोई बैगेज नहीं है, इनको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ ऐसी होती है, इसलिए हमेशा नई और नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं. पिछले 7 सालों में हमें काफ़ी आ गया है. शुरू में जब हम छोटे थे, मिस्टर टाटा जी, रतन टाटा जी ने हमें इन्वेस्ट किया, हमें भरोसा दिखाया, और वो बहुत बड़े हमारे मेंटर हैं. फिर बड़ा मोमेंट तब आया जब हम लोगों ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, और फिर एक के बाद दो के बाद तीन, तीन के बाद चार हमारे मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हुए, और बहुत स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट टीवीज. और आज के टाइम पे हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, जितने भी स्मार्ट टीवीज हैं, सारे के सारे लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं. हमारे सर्विस सेंटर शुरू में सिर्फ दो थे, एक दिल्ली और एक बैंगलोर में, फिर दो से हुए चार, चार से दस, दस से बीस, और आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है, अराउंड 2000 सर्विस सेंटर्स. सिर्फ यही नहीं, कुछ सालों पहले हम लोगों ने ऑफलाइन मेंटर किए, और आज के टाइम में हमारा इंडिया में सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव रिटेल नेटवर्क है. हमारे 3000 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, एंड वी आर रियली प्राउड टू बी पार्टनरिंग विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर प्रेफर्ड पार्टनर्स. फिर हम लोगों ने अपने यहाँ पे एक प्रोडक्ट टीम, R&D टीम खोली, और क्वालिटी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया. और आपको बताते हुए खुशी होगी, पिछले 2 सालों से वी हैव बीन रेटेड एज द हाईएस्ट क्वालिटी ब्रांड, और लास्ट ईयर 2020 में वी वर आल्सो रेटेड एज द नंबर 1 ट्रस्टेड स्मार्टफोन ब्रांड एंड द नंबर 2 ट्रस्टेड ब्रांड अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज. तो एक जो ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट होती है, इसने बोला कि हिंदुस्तान में जितनी भी ब्रांड्स हैं अक्रॉस एवरीथिंग, चाहे जूते हों, चाहे कपड़े हों, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे कुछ और टॉयलेटरीज हो, हर चीज़ में सारी ब्रांड्स अक्रॉस MI सेकेंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, और स्मार्टफोन कैटेगरी में नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड है. और पिछले 2 सालों से वी हैव ऑल्सो बीन रेटेड एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क. और ये जितनी भी हमने चीज़ें करी, सर्विस सेंटर खोले, कॉल सेंटर खोले, फैक्ट्रीज खोली, इन सब को अगर मिला लें तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हम लोग पिछले 7 सालों में 60,000 मतलब 60,000 जॉब्स क्रिएट कर चुके हैं. सो फ्रॉम 1 पर्सन टू अ फैमिली ऑफ 60,000 इंडियंस हु आर नाउ वर्किंग विद Xiaomi इंडिया एंड हु फॉर्म दिस ह्यूज फैमिली. सो रियली प्राउड ऑफ व्हाट ऑफ दिस एंटायर फैमिली. यू नो, पिछले 7 सालों में बाहर से देखने में लगता है कि हमारे सब चीज़ें अच्छी गई हैं. हम लोग नंबर 1 ब्रांड बन गए स्मार्टफोन में, नंबर 1 स्मार्ट टीवीज में, नंबर 1 वेरिएबल में, नंबर 1 पावर बैंक्स में, नंबर 1 ऑनलाइन, सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिटेल नेटवर्क एंड लॉट मोर. लेकिन असलियत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और हमें बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा. तो हमारी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा हमारे सारे टीम मेंबर्स का, पार्टनर्स का, जो हमारे साथ फिर भी लगे रहे हमें आगे पहुंचाने के लिए. जब हमसे गलतियां हुई तो हमने उन गलतियों को जल्दी से सुधारा और आगे बढ़ते गए, हमेशा नई चीज़ें ट्राई करी, और एंकरेज करा टीम को कि चाहे कुछ भी हो जाए, नई और नई चीज़ें हमें हमेशा ट्राई करनी चाहिए. हमारे जो टीम मेंबर्स हैं बहुत ही अमेजिंग हैं. आज के टाइम में हमारे जितने भी टीम लीडर्स हैं वो सब 30-35 ईयर्स के हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं, एंड देयर सो यंग. वो इनफैक्ट मुझे बोलते हैं कि मनु, अब आप काफ़ी बूढ़े हो गए हो, आपको नहीं पता कि आज के टाइम में यंगस्टर्स को क्या चाहिए होता है. बट जोक्स अपार्ट, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू एवरीबडी हु हेल्प्ड अस ओवर लास्ट 7 ईयर्स. हमारे मी फैंस, मोर देन 100 मिलियन मी फैंस हु हैव बॉट अ Xiaomi प्रोडक्ट, हमारे सारे पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, आर रिटेल पार्टनर्स, एंड आर अमेजिंग टीम मेम्बर्स, अ बिग बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर मेकिंग अस हु वी आर. और आज मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर हम सक्सीड कर सकते हैं तो आप भी सक्सीड कर सकते हैं, नो मैटर वॉट यू आर ट्राइंग टू डू. अगर आपका एक छोटा बिजनेस है, एक छोटी दुकान है, बाकी सबका बड़ा बिजनेस है, बड़ी दुकान है, फिर भी आप सक्सीड कर सकते हैं. अगर आपकी एक छोटी जॉब है, बाकी लोग की, आपके फ्रेंड्स की बड़ी जॉब है, तो भी आप सक्सीड कर सकते हैं. कभी भी कोई भी सपना बड़ा नहीं होता. आप उस सब बड़े से बड़े सपने को अचीव कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें, अपने आप पर विश्वास करें,
और कभी भी गिव अप ना करें, यही हम लोगों ने सीखा है पिछले 7 सालों में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई सजेशन है कि हम अगले कुछ सालों में क्या कर सकते हैं, कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, या कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, या कैसे और नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में, या कैसे और लोगों को जॉब दिला सकते हैं इंडिया में, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइए इन कॉमेंट्स बिलो। वुड लव टू हेयर योर थाट्स। विद दिस साइनिंग ऑफ, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन, प्लीज़ टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस, डू नॉट स्टेप आउट, एंड इफ यू आर स्टेपिंग आउट डू वेयर अ मास्क। थैंक यू वंस अगेन फॉर मेकिंग द लास्ट 7 years रियली मेमोरेबल, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 7 years। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।